कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं सर्वप्रथम कि जो आगरपाड़ा जनसभा में जिस तरीके से अपने मोबाइल से निकालकर मेरी आवाज को संपूर्ण तरीके से विकृत करके उन्होंने सुनाया है और लोगों को एक बेकूफ बनाया है, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। हमारा एक पर्सनल एक छोटा सा ग्रुप था, उस ग्रुप में हमने 2 मिनट 13 सेकंड का एक वीडियो किया था और इस तरीका का 50 ग्रुप है मेरा। उस ग्रुप में सभी का कोई काम दिया था हमने, तो उस ग्रुप में हम एक बच्चे का जिम्मेदारी दिया था कि उस वहां पर एक हिंदुस्तान का जय, भारत माता हम लोग जो बोलते हैं, हमारे माता का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सजा के हमने उसपे सजाया था, तो उस जाने के लिए उसको हम उन लोगों को दायित्व दिए थे। लेकिन ये लोग पहले से जो आगजनी करेंगे, ये पहले से गुंडागर्दी करेंगे, ये हमको पहले से टीएमसी के कुछ बड़े बड़े नेताओं के मार्फत हमको पता था। तो आज यदि ये घटना हो गया और कलकत्ता पुलिस ने मिलजुल के कराया, ये कभी हम सोचे नहीं थे। लेकिन ये वीडियो जो लीक हुआ है, हाँ, इसका मतलब है कि आप ही के ग्रुप से ये लीक हुआ है? हाँ ग्रुप, देखिए वीडियो में आप जब पूरा देखिए तो ग्रुप में तो ऐसा नहीं बोला गया। ये झंडा और ये डंडा एक मजबूत डंडा, इससे भी मजबूत डंडा वो लोग लेके हमारे कई कर्मियों का जान ले लिए, कई कर्मियों को मार डाले, कई कर्मी अभी अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन ये झंडा में डंडा लगाना, क्या इतना अपराध हो गया और क्या प्री प्लान हमने कर दिया? प्री प्लान तो आपने विद्यासागर की मूर्तियों को तोड़ के किया है कि पास आउट के लड़के उतने रात को शाम 6 बजे क्या कर रहे थे वहां पर। हमारे पास उनका वीडियो फुटेज है, मेरे पास भी, जिनका नाम है उनका मोबाइल टावर सर्च किया जाए।